रेस्क्यू एक सिरप प्रभावी रूप से बच्चों में गीली खांसी बलगम के साथ खांसी का इलाज करता है। ये पानी की मात्रा को बढ़ाकर बलगम को पतला करने में मदद करता है। ये गले की जलन से राहत देता है और जमे हुए बलगम को साफ करता है, जिससे आपके बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है। रेस्क्यू एक सिरप ब्लू क्रॉस कंपनी ने बनाया है। इसकी प्राइस 80 रुपये तक होती है। रेस्क्यू एक्स प्लस सिरप में एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड ग्यूफेंसिन और टर्बुटोलिन नामक ड्रग होते हैं, जिसमें एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट खांसी के रूप में बलगम को पतला और तोड़ने का काम करता है और म्यूकोलाइटिक बलगम को तरल और ढीला बनाने का काम करता है। एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक नामक दवाओं के एक ग्रुप से संबंध रखते हैं। ये गाढ़े बलगम को तरल और ढीला बना देता है, जो खांसी के माध्यम से आसानी से बाहर निकल जाता है। एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड सांस लेने की बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है और ग्यूफेंसिन म्यूकस को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी के बलगम का बाहर निकलना आसान बन जाता है। ग्यूफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट नामक एजेंटों के एक ग्रुप से संबंध रखता है। ये सांस लेने वाले हिस्से में म्यूकस को पतला करता है ताकि उसे खांसकर बाहर निकलने में ज़्यादा आसानी हो और सांस लेने वाला हिस्सा साफ हो जाए। ये छाती से बलगम या कफ को साफ करने में मदद के लिए किया जाता है। ये फेफड़ों में बलगम या कफ को पतला करने का काम भी करता है और टर्ब्यूटलाइन फेफड़ों तक पहुंचने वाले हवा वाले हिस्से को आराम पहुंचाकर और उन्हें खोलकर सांस लेना आसान बनाता है। टर्ब्यूटलाइन बीटा एंटागोनिस्ट नामक दवाओं के एक ग्रुप से संबंध रखता है। ये हवा वाले हिस्से को शीतल और शांत करता है और खोलता है, जिससे सांस लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। यह अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण होने वाली घबराहट, सांस की तकलीफ और सीने में जकड़न को रोकने और उसका इलाज करने के लिए टर्ब्यूटलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं रेस्क्यू एक्स प्लस के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो रिसर्च के आधार पर रेस्क्यू एक्स के कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि दस्त, खांसी, सांस लेने वाली नली में इन्फेक्शन, गले में खराश, घबराहट, सिर दर्द, नींद न लगना, कब्ज, सीने में जलन, मचलाहट या उल्टी कुछ हो सकते हैं। और अगर आप दमा, धूम्रपान की लत, हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपरथायरॉइडिज्म, शुगर, काला मोतियाबिंद, इनमें से कोई भी रोग है तो रेस्क्यू एक्स को ना लें, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर उचित समझे तो आप इन रोगों से ग्रसित होने के बावजूद रेस्क्यू एक्स ले सकते हैं। आप अपनी कोई भी दवा अपने डॉक्टर के सलाह के बिना ना लें।